महसूस हो रहा है कि मैं श्रीमंता जी जी राय, जो एक बहुत ही सरल स्वभाव एवं हसमुख प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, उनके परिचय दे रही हूँ। श्री मंगलजीत राय जी ने 2006 में उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय से अपनी एलएलबी की शिक्षा पूरी की है। एलएलबी की शिक्षा पूरी करने के बाद वह कानूनी प्रैक्टिस करने के बजाय अपने पैतृक गांव में ही रहकर सेवा करना पसंद किया। उसके बाद वह 2007 में खामडोम ग्राम पंचायत अध्यक्ष सरपंच पद पर चुने गए। प्रेसिडेंट के पद पर रहकर आपने कई कार्य किए, जैसे कि विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के उत्थान, विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन एवं योग्य व्यक्तियों को सम्मानित किया, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी भारत की भूतपूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह जी की उपस्थिति में सन 2008 में निर्मल ग्राम पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया। आपको राज्य सरकार द्वारा गुवाहाटी में कई जिम्मेदारियां, जैसे कि राज्य शीर्ष स्वायत्त संगठनों, राज्य गैर सरकारी संगठनों एवं बागवानी किसान कल्याण बोर्ड के सदस्य के रूप में भी नियुक्त किया गया। आपको जुलाई 2017 में इंडियन डेयरी एसोसिएशन नई दिल्ली द्वारा आजीवन सदस्यता से नवाजा गया। आपको 16 जून 2020 में भारत के सरकारी विकास मंच के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। आपने NCDFI अध्यक्ष पद के छोटे से कार्यकाल में डेयरी सरकारी व्यापार लेन देन को 4 गुना सफलतापूर्वक बढ़ाया। आप एक समाज सेवक ही नहीं अपितु एक राष्ट्रीय सरकारी आंदोलन के ब्रांड एम्बेसडर भी रहे हैं। श्री राय जुलाई 2017 से नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडियन आनंद गुजरात के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहे। इसके अलावा आप सितंबर 2017 से सिक्किम कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूस यूनियन लिमिटेड गंगटोक के अध्यक्ष पद पर भी कार्यरत रहे। इसके अलावा NCDFI के आउटलुक ग्रुप द्वारा सर्वश्रेष्ठ किसान सहकारी श्रेणी के तहत स्वराज अवार्ड 2020 के लिए भी आपको चुना गया। इसी के तहत सिक्किम कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूस यूनियन लिमिटेड गंगटोक को एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा इंडियन डेयरी अवार्ड 2021 के लिए बेस्ट स्टेट डेयरी फेडरेशन के रूप में सम्मानित किया गया। आपको माननीय मंत्री जी श्री LM नेपाल द्वारा जुलाई 2020 में सिक्किम के सभी डेयरी किसानों और निर्देशक मंडल की ओर से प्रबंध निर्देशन सिक्किम सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ लिमिटेड से एक प्रशस्ति पत्र भी प्राप्त हुआ एवं नवंबर 2022 में सिक्किम के माननीय राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद जी द्वारा राजभवन गंगटोक सिक्किम में एक प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ है। और भी बहुत कई उपलब्धियां हैं जो सर ने प्राप्त की हैं, जिसके लिए हम सभी कर्तव्य ध्वनि से सर का स्वागत करते हैं। सिंधी रामन विश्वविद्यालय खानों के पहले दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल श्री अरुण सहानी जी और इसी विद्यालय के सम्मानित कुलाधिपति श्री संतोष चौबे जी, जो आज का अध्यक्ष थे। इसी प्रकार मंच पर विराजमान कार्यकारिणी निदेशक आईसेक्ट लिमिटेड, सचिव आईसेक्ट सोसाइटी आदरणीय सुधाकर चतुर्वेदी जी, NCDFI के प्रबंध निदेशक आदरणीय श्रीनिवास सजा जी, डॉक्टर सीवी रावण विश्वविद्यालय का कुलपति आदरणीय अरुण जोशी जी, प्रो वाइस चांसलर आदरणीय अदिति चतुर्वेदी जी, ब्रिटिश साम्राज्य के आदेश के सदस्य आदरणीय PS सोरे जी, आदरणीय मैडम चौबे जी,
कुल सचिव आदरणीय श्री रवि चतुर्वेदी जी, अन्य विशिष्ट अतिथियों, संकाय सदस्यों, अभिभावकगण, साथियों, देवी और सज्जन और प्रेस से आए हुए सभी बांधव बांधव, अकादमिक उत्कृष्ट नई पद्धति और सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर सी वी रमन विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त करना वास्तव में एक सौभाग्य की बात है। ये मेरे लिए बड़े ही सम्मान की बात है कि आज मैं सामुदायिक सेवा, सहकारी डेयरी क्षेत्र और ग्रामीण विकास में मेरे योगदान के लिए इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाले के रूप में आप इस काम के लिए मैंने अपना जीवन समर्पित किया है उसके लिए पहचान जाना एक बड़ा सौभाग्य है। यह मान्यता मेरे लिए बहुत मायने रखती है क्योंकि यह दूसरों के सेवा करने और मजबूत समुदायों के निर्माण के लिए आजीवन प्रतिबद्धता की प्रतिनिधित्व करती है। मेरा मानना है कि जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धियां व्यक्तिगत सफलता से नहीं बल्कि उस सकारात्मक प्रभाव से मापी जाती है जो हम दुनिया पर बना सकते हैं। एक विकास व्यवसाय के रूप में मेरे जीवन का कार्य उन लोगों के लिए अवसर पैदा करने के लिए समर्पित रहा है जिन्हें समाज में पीछे छोड़ दिया। मुझे बचपन से ही सामाजिक न्याय और सामुदायिक विकास का शौक रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में मैं बड़े होने के दौरान मैंने पहली बार उन चुनौतियों को देखा जिनका लोगों को बुनियादी सुविधाओं, संसाधनों, अवसरों तक पहुंचाने में सामना करना पड़ता है। इन अनुभवों ने मुझे सामुदायिक सेवा में जीवन वृत्ति बनाने के लिए प्रेरित किया है और मैंने सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रत्यक्ष सेवा और वकालत के माध्यम से व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। अपने पूरे जीवन वृत्ति के दौरान मैंने युवा समूह से लेकर सामुदायिक संगठनों तक व्यक्तियों और समुदाय की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ काम किया है। मैंने सामुदायिक सेवा और सामाजिक कार्य से न केवल व्यक्तियों पर बल्कि पूरे समुदाय पर पड़ने वाले परिवर्तनकारी प्रभाव को देखा है। मैं उस काम से खुश हूँ जो मैंने कर सका और उसे जो प्रभाव पड़ा, चाहे वह जरूरतमंद परिवारों की मदद करना हो, सामुदायिक विकास परिजनों में सहायता करना हो या सामाजिक न्याय के लिए लड़ना हो। इसी तरह एक ग्रामीण समुदाय में बड़े होने के दौरान मैंने उन चुनौतियों को देखा जिनका सामना किसानों को बाजारों और संसाधनों तक पहुंचाने में करना पड़ता था। मैंने अपने समुदाय के कई परिवारों, विशेषकर छोटे किसानों के लिए डेयरी फार्मिंग की आजीविका के साधन के रूप में भी देखा। इस अनुभव में मुझ में ग्रामीण सदस्यों, विशेष रूप से डेयरी क्षेत्र में अवसर पैदा करके ये एक जुनून जगाया। जैसे जैसे मैंने डेयरी क्षेत्र में विकास की दिशा में काम किया, मैं स्थायी परिवर्तन बनाने में सहकारी समितियों की शक्ति के बारे में और जागरूक होता गया। सहकारिता किसानों को एक साथ आने, अपने संसाधनों को साथ जोड़ने और उन बाजारों और सेवाओं तक पहुंचाने में सक्षम बनाती है जो सामान्यतः उनके पहुंच से बाहर होते हैं। यह मॉडल ग्रामीण विकास, विशेषकर डेयरी क्षेत्र के लिए एक शक्तिशाली माध्यम साबित हुआ है। मुझे सिक्किम की छोटी सी गांव पेंग दूध उत्पादक सहकारी समिति, सिक्किम कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन, नेशनल कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया आदि जैसी कई सहकारी समितियों के साथ काम करने का सौभाग्य मिला जो अपने सदस्यों के लिए
मूल्य वृद्धि और उनके समुदायों में आर्थिक सुधार के लिए काम करते आए हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से न केवल किसानों के जीवन पर बल्कि पूरे समुदाय पर सहकारी समिति से होने वाला सकारात्मक परिवर्तनकारी प्रभाव देखा है, उसे नजदीक से महसूस किया है। मैं इस अवसर पर मेरा माता पिता, मेरा धर्मपत्नी, मेरा सब परिवार के सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इस मार्ग पर चलने मेरा साथ दिया, जो मेरे लिए निरंतर शक्ति और प्रेरणा का स्रोत है। और आज इस अवसर पर मेरा NCDFI के प्रबंध निदेशक आदरणीय श्रीनिवास सज्जा जी, NCDFI का सलाहकार श्री केसी सुतेकर जी, NCDFI का पूरे टीम, दोस्तों और सहयोगियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनके अटूट समर्थन और प्रोत्साहन के कारण ये संभव हुआ है। मैं उन साझेदारियों और सहयोगी के लिए बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे हमारे साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाए और हर मोर्चे पर साथ खड़े हैं। मैं उन किसानों और उनके परिवारों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और जिन सहकारी समितियों के साथ काम किया उन पर भरोसा किया सकारात्मक बदलाव लाने के लिए उनके समर्पण और प्रतिबद्धता ने हमारे द्वारा की गई प्रगति को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी बड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय मुझे हर दिन प्रेरित करता है, उन्हें तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं इस मानद डॉक्टरेट की उपाधि की स्वीकार कर रहा हूँ, मुझे इस सम्मान के साथ अपने आने वाले महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का भी एहसास होता है। यह सम्मान केवल मेरे काम का उत्साह नहीं है, बल्कि हम सभी के लिए और मजबूत होकर सेवा करने का अहम है। हमें ग्रामीण समुदाय को साबित सशक्त बनाने और स्थायी परिवर्तन लाने के साधन के रूप में मैं सहकारी समितियों का समर्थन और उनकी एकता की मजबूती बनाए रखनी चाहिए। हमें समानता, समावेश और सामाजिक न्याय के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता रहना चाहिए और एक ऐसा समाज बनाने के लिए काम करना चाहिए जहाँ हर किसी को फलने फूलने का अवसर मिले। मैं बदलाव लाने वालों को समुदाय का हिस्सा बनकर बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, जो एक बेहतर समाज और दुनिया बनाने के लिए समर्पित है। एक बार फिर मैं इस भाषण के लिए डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुलाधिपति श्री संतोष सर्वे जी, कुलपति आदरणीय डॉक्टर अरुण जोशी जी, प्रबंध बोर्ड का आदरणीय सदस्य को आभारी हूँ, जिन्होंने मुझ पर विश्वास करके डॉक्टर की मानक उपाधि बड़े आदर के साथ सम्मानित किया। एक बार फिर इस अविश्वसनीय सम्मान के लिए सबको धन्यवाद। मैं गहराई से आभारी हूँ और अपने आने वाले जीवन के हर मोड़ पर इस मान्यता को संजो कर रखूँगा और मैं इस उत्कृष्ट संस्था के मिशन और लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे रिश्ते को हमेशा सक्रिय मजबूत रखने के प्रतिबद्धता जाहिर करता हूँ। एक साथ काम करने का प्रण लेते हुए सभी को पुनः आभार प्रकट करते हुए मेरा संबोधन यही विराम करना। भारत माता की जय, वंदे मातरम, धन्यवाद। नागालैंड स्टेट डियर 200 मंथली लॉटरी। पहलो पुरस्कार 1,25,00,000 गारंटीड पुरस्कार। टिकट को मूल्य 200 रुपया। पहलो पुरस्कार केवल बिक्री बैका टिकट और बाटा।